वही हूँ जिसका तूने अपने स्वयंवर में उपहास उड़ाया था। बड़ी सभा में मेरा अपमान किया था, अब मैं अपने सारे अपमान का बदला लूंगा। स्वामी, छोड़ दे मुझे, दुष्ट, छोड़ दे। स्वामी, नक्षत्र भैया, बचाइए। स्वामी, स्वामी, कर दो मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। स्वामी, छोड़, छोड़ दे मुझे। नहीं माता सीता, उस दुष्ट को समाप्त करने में अभी आ रहा हूँ। जय श्री राम। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो हनुमान? क्या आप ये सुन नहीं रहे हैं? सुन नहीं रहे कि क्या अनर्थ हो रहा है? मैं उस अनर्थ को रोककर उस दुष्ट को अपनी गदा से चूर चूर कर दूंगा। नहीं हनुमान, नहीं नहीं, ये तुम्हारा कार्य नहीं, तुम्हारे आराध्य श्री राम का कार्य है। मैं तुम्हें उनके कार्य में बाधा डालने नहीं दूंगा। नहीं देवर्षि, नहीं, हट जाइए मेरे मार्ग से। आज मैं आपकी कोई विवाह स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी नहीं। यदि आज मुझे रोका गया तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। यदि तुम मुझे अपने हाथों से समाप्त कर दो तो वो भी मुझे स्वीकार है। तुम जैसे महान शिष्य के हाथों मृत्यु प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता ही होगी। परंतु परंतु इस समय मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। देवर्षि, माता को बचाने के लिए मेरे प्राण तड़प रहे हैं, आज मुझे ना रोकिए। यदि आज मुझे रोका गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा और मेरा रोष मुझ पर ही निकलेगा। तुम चाहे मुझे दंडित करो या अपने आप को, परंतु विधाता के विधान में हस्ताक्षेप ना करो। यदि तुमने ऐसा किया तो इस संसार में प्रलय मच जाएगा। आज ये प्रलय आता है तो आ जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। परंतु मैं अन्याय होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं अन्याय होते हुए। हनुमान हनुमान, मेरे प्रिय हनुमान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था,
आज फिर समझाता हूं, तुम्हारा जन्म श्री राम की सहायता के लिए हुआ है, उनके कार्य में बाधा डालने के लिए नहीं। भगवान विष्णु के इस राम अवतार की सारी लीलाएं पहले से निर्धारित हैं। क्या तुम अपने आराध्य के कार्य में बाधा डालोगे? नहीं, नहीं, मैं अपने आराध्य के कार्य में बाधा डाल रहा था? नहीं, नहीं देवर्षि, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। तुम महान हो हनुमान, अपने आवेग और उद्वेग को तुम जैसा महान बलशाली व्यक्ति ही दबा सकता था। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो, तुम सचमुच धन्य हो। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। सीते, 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 भाभी, लक्ष्मण तुम यहां नहीं थे, कहां गए थे तुम? भैया मैं तो आपकी खोज में गया हुआ था। मेरी खोज में? सीता कहां है? क्या तुमने सीता की करुण पुकार नहीं सुनी? सुनी थी भैया, सुनी थी, परंतु मैं उनको यहां छोड़कर आपको ढूंढने गया था और उनकी सुरक्षा के लिए यह लक्ष्मण रेखा खींच के गया था। भैया लगता है भाभी ये लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई और उनका किसी ने हरण कर लिया। हमारे दुर्भाग्य की रेखा ने इस लक्ष्मण रेखा को व्यर्थ कर दिया है। लक्ष्मण, स्वामी, लक्ष्मण भैया मुझे बचाइए, स्वामी, 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 मेरी रक्षा कीजिए। मैं एक दुर्बल वनवासी तुझे बचाने नहीं आएंगे, व्यर्थ अपनी शक्ति नष्ट मत कर, यदि वे आएंगे तो भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। नहीं, मैं मर जाऊंगी परंतु तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब तू मेरी हो चुकी है सुंदरी, मेरी इच्छा के बिना तू प्राण भी नहीं दे सकती। अपने भाग्य की सराहना कर कि तू लंकापति रावण के साथ स्वर्ण महल में रहेगी हमारी पटरानी बनकर। नहीं, कदापि नहीं, लक्ष्मण भैया, स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे स्वामी। लक्ष्मण भैया, स्वामी, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। बचाइए, मुझे बचाइए, लक्ष्मण भैया, स्वामी, मुझे बचाइए, स्वामी, मुझे बचाइए, स्वामी, लक्ष्मण भैया, बचाइए, स्वामी, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया। सीते, भाभी कहाँ हो तुम? देवी सीते, भाभी, सीते कहाँ हो तुम? सीते, भाभी, सीते, भाभी, देवी सीते, भाभी, देवी सीते, भाभी, सीते,
गिद्धरा जटायु, गिद्धराज, किसने आपकी ये दुर्दशा की? मैंने उस दुष्ट को रोकने की भरसक चेष्टा की, परंतु मैं देवी सीता को उस दुष्ट के चंगुल से नहीं छोड़ा सका। मुझे क्षमा करना श्री राम। गिद्धराज, कौन था वो दुष्ट जिसने सीता भाभी का अपहरण किया? कौन था वो? वो था दक्षिण दिशा का। आपने अपने कर्तव्य का पालन अपने प्राण देकर किया। आप धन्य है गिद्धराज जटायु, धन्य है आप। मुझे क्षमा करना भैया, मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया। मैं आपका और सीता भाभी का अपराधी हूं। होने की करने के आगे किसी का कुछ नहीं चलता लक्ष्मण, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ना स्वर्ण मृग के लिए हट करने वाली सीता का, ना उसे छोड़कर जाने वाले राम का, और ना तुम्हारा। वही हुआ जो विधाता को स्वीकार था लक्ष्मण। गिद्धराज जटायु, आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक लोग आपको याद रखेंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छोड़ दे पापी, छोड़ दे मुझे। मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ सीते। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? किसी के साथ इस तरह का बल प्रयोग करना अच्छा नहीं है। मंदोदरी, हमारे बल और अधिकार को चुनौती मत दो। ये बल और अधिकार का दुरुपयोग है, छोड़ दीजिए। हट जाओ। लंकापति रावण, ये किस पर बल का प्रयोग कर रहे हो तुम? इन अबला नारियों पर धिक्कार है तुम्हें। तुम कारण, तुम अपनी नींद से जागकर यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे अत्याचारों की गूंज ने ही मुझे जगा दिया है रावण, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। परंतु ये कौन है और तुम इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये दुर्व्यवहार है या मेरा अधिकार, तुम्हें बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ, चले जाओ अपने शयन कक्ष में। नहीं, कदापि नहीं। मैं तुम्हारा भाई अवश्य हूँ, परंतु एक क्रूर पशु नहीं। एक स्त्री पर अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकता। क्या कर लोगे तुम मेरा? मुझसे युद्ध करोगे इस सीता के लिए? सीता? क्या यह वही सीता है जिसके स्वयंवर से तुम असफल होकर आए थे? क्या यह वही जनक पुत्री है जिसने पृथ्वी की कोख से जन्म लिया है? हाँ हाँ, यही है वो सीता जिसने हमारी शक्ति को ललकारा था, लंकापति रावण को भरी सभा में अपमानित किया था। हमने इसका हरण करके अपने उस अपमान का बदला लिया है। इसे छोड़ दो रावण, इसके हरण का पाप तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। कुंभकर्ण, मुझे उपदेश देने की चेष्टा ना करो, अन्यथा तुम भी मेरे हाथों अपमानित हो जाओगे। मुझे डराओ मत लंकेश्वर, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं, और तुम्हें सर्वनाश के पथ पर जाने से रोकना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा अधिकार है। मैं फिर से कहता हूं, छोड़ दो इसे। धन्य हो भ्राता, इस राक्षस नगरी में भी आप जैसे न्यायवान पुरुष हैं और महारानी मंदोदरी जैसी नारी। आप दोनों मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए और इनके आतंक से मुझे मुक्त कीजिए। स्वामी,
सीता को छोड़ दीजिए, इसी में हम सबका कल्याण है। नहीं नहीं मंदोदरी, हमने निश्चय किया है हम अपने अपमान का प्रतिशोध इस सीता को अपनी पटरानी बनाकर लेंगे। नहीं, कदापि नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी हूँ और लंका की पटरानी बनने से पहले मैं प्राण त्याग दूंगी। देखा रावण इसकी दुर्दशा, तुम मेरे बड़े भाई हो परंतु तुम्हारे सत्याचार से मेरा सिर लज्जा के मारे झुका जा रहा है। मैं तुमसे फिर विनती करता हूँ, इस धर्मात्मा जैसी नारी को छोड़ दो। कायरो, तुम लंकापति रावण के लंका में रहने के योग्य ही नहीं हो। कुंभकर्ण, तुमने हमारे निर्णय को चुनौती देकर लंका में रहने का अधिकार खो दिया है। मंदोदरी, हम पहले से ही जानते थे कि तुम एक सौत को इस महल में कभी स्वीकार नहीं करोगी। हमारी इच्छा का अपमान करके तुम हमारी पटरानी रहने के अधिकार से वंचित हो चुकी हो। नहीं, कदापि नहीं। भैया, यदि तुम चाहते हो तो मैं लंका से चला जाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं इस सबला को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त कराऊंगा। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे विरुद्ध मैं बल प्रयोग करूं तो यही सही। कुंभकर्ण, हमारा छोटा भाई विभीषण हमारा पहले से ही विरोधी है, अब तुम भी हमारा विद्रोह करना चाहते हो? तुम ये नहीं जानते, इसी सीता के पति राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा हमारी बहन शूर्पनखा के नाक कान कटवा कर उसे कुरूप बना दिया। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? तुम ये भी नहीं जानते कि इसी सीता के पति राम ने हमारे बलशाली राक्षस खर और दूषण का वध किया, दंडकारण्य में रहने वाले हमारे हजारों राक्षसों को मृत्यु की गोद में सुला दिया। मैं नहीं जानता भैया, मैं सचमुच नहीं जानता। क्योंकि तुम वर्ष में 6 महीने सोते रहते हो, तुम्हें अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि हमने सीता का हरण अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए किया है। यदि राम में पौरुषता और वीरता होगी तो वो हमसे अवश्य टकराएगा, फिर हम दिखाएंगे कि रावण को अपमानित करने का परिणाम क्या होता है। यदि यही तुम्हारा प्राण है तो मैं प्राण तोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु लंका महल में इसे रखना महारानी मंदोदरी के लिए अपमान होगा। अपमान हो या ना हो, हमें इसकी परवाह नहीं। भैया, मेरी एक विनती सुनिए, भले ही इसे मुक्त न कीजिए, लंका में बंधनी बनाकर रखिए, परंतु इस महल में नहीं। स्वामी, कुंभकर्ण भैया ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इसे इस महल से दूर ले जाइए। कुंभकर्ण, हमें तुम्हारा ये परामर्श स्वीकार है, हम सीता को अशोक वाटिका में बंधनी बनाकर रखेंगे। कोई आए? आज्ञा महाराज। इसे अशोक वाटिका में ले जाया जाए और राक्षस वीरांगनाओं को पहरे पर लगा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।